आज हम बात करेंगे ईद कुर्बान के मौके के ऊपर गोश्त के इस्तेमाल के हवाले से। For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Welcome, I'm Zoha Suhail. I'm a lecturer at Rashtriya Medical College and a clinical nutritionist at Arif Memorial Hospital and Marham. आज हम बात करेंगे ईद कुर्बान के मौके के ऊपर गोश्त के इस्तेमाल के हवाले से, क्योंकि ईद के मौके पर लोग बहुत ज्यादा गोश्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो दिन रात सुबह शाम अपनी हर डिश के अंदर गोश्त का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और गोश्त का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेने की वजह से लोगों में मैदे के मराइज की जो शरह है वो बढ़ती हुई नजर आती है, जिसमें सबसे पहले एसिडिटी का मसला लोगों में बहुत ज्यादा नजर आ रहा होता है, क्योंकि रेड मीट के अंदर जो मटन और बीफ है उसमें वहाँ पर चिकनाई का कॉन्टेंट बहुत ज्यादा होता है, और जब हम बहुत ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें तेजाबियत का मसला उसके इस्तेमाल करने से बढ़ रहा होता है। तेजाबियत के मसले के साथ साथ लोगों में रिफ्लक्स का जो मसला है वो भी ज्यादा नजर आ रहा होता है। रिफ्लक्स में ये होता है कि जो भी चीज हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे मैदे से खुराक की नाली की तरफ आती है और ऊपर से वो मुंह की तरफ आ जाती है। जब मैदे की चीजें खुराक की नाली की तरफ आती हैं तो पेशेंट्स में सीने की जलन की जो शिकायत है वो भी बढ़ती हुई नजर आती है। तो इसलिए अगर आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से तेजाबियत का मसला, सीने में जलन की शिकायत और रिफ्लक्स का मसला ज्यादा नजर आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक दिन में कितना गोश्त इस्तेमाल किया जाए ताकि हम इन मसाइल से बच सकें। वो लोग जो हेल्दी हैं, जिनको किसी भी किस्म का सीवीडी रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है, ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, यूरिक एसिड का मसला नहीं है, गुर्दों से रिलेटेड कोई मसला नहीं है, शुगर का मसला नहीं है, वो लोग एक दिन में 3 ounce गोश्त इस्तेमाल कर लेते हैं। 3 ounce गोश्त हमारे हथेली के साइज जितना होता है, तो एक दिन में वो इतना गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनको हेल्थ रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, जिसमें गुर्दों का मसला है, डायलिसिस की शिकायत है, खून के शरियानों से रिलेटेड कोई भी मसला, यूरिक एसिड का मसला, वो अपने नॉलेज के, अपने कंसल्टेंट के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग गोश्त का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल भी 3 ounce से ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल करता है तो उसको भी डिफरेंट हेल्थ डिसऑर्डर जो है वो नजर आएंगे। तेजाबियत के अलावा जब हम अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा गोश्त कंज्यूम कर लेते हैं, 3 ounce जैसे कि मैंने बताया उससे ज्यादा अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके इस्तेमाल करने की वजह से हमारा मैदा प्रोटीन्स को, जो गोश्त का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, उसको प्रॉपर तरीके से हजम नहीं कर पाता। जब प्रोटीन्स हमारा मैदा हजम नहीं कर पाएगा, हमारी बॉडी में से वो अनएब्जॉर्ब बगैर जज्ब हुए वो निकलेगी, और उसकी सूरत में लोगों में डायरिया का मसला, गैस का मसला, पेट में दर्द की शिकायत लोगों में ज्यादा नजर आती है। अब जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कि लोगों में एसिडिटी का जो शरह है वो ज्यादा हो रही होती है, एसिडिटी के साथ साथ रिफ्लक्स का मसला आ रहा होता है कि जो भी चीज वो कंज्यूम कर रहे होते हैं गोश्त ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वो उनको रिफ्लक्स में लेके जा रही होती है, वॉमिटिंग की तरफ लेके जा रही होती है। अब अगर एक इंडिविजुअल को रिफ्लक्स भी है, उसको साथ में डायरिया भी हो गया, तो जो भी चीज वो कंज्यूम कर रहा है वो उसको वॉमिट के फॉर्म में भी एक्सक्रीट आउट कर रहा है और डायरिया के फॉर्म में भी एक्सक्रीट आउट कर रहा है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन्स उसमें डाइजेस्ट हमारी मैदा नहीं कर पाता और लोगों में डायरिया का मसला ज्यादा हो रहा होता है। इन दोनों सूरतों में, वॉमिटिंग और डायरिया की सूरत में, पेशेंट्स जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाते हैं। अब जैसे गर्मियों का मौसम है, इसमें अगर ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल आप करते हैं तो डायरिया का मसला अगर पेशेंट्स में होता है, वॉमिटिंग होती है, तो वो डिहाइड्रेशन की तरफ जाएंगे, बॉडी में से नमकियात की कमी होना शुरू हो जाएगी, बॉडी बहुत ज्यादा कमजोरी की तरफ चली जाएगी, नमकियात की कमी हो जाएगी, जो इस मौसम में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो कोशिश ये करें कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गोश्त का इस्तेमाल करें ताकि आप किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट की तरफ ना आ सके। इसके अलावा कलेजी का एक बहुत ज्यादा कंसर्न होता है, जिस तरह से सुन्नत में भी है और लोग इसको फिर बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कलेजी में हमारे पास प्यूरिन्स का अमाउंट ज्यादा होता है। यूरिन एक ऐसा कंपोनेंट है जो बॉडी में अगर किडनीज ठीक ना हो तो वो यूरिक एसिड को बढ़ाने में रोल प्ले करता है। तो वो लोग जिनको किडनी से रिलेटेड कोई मसला है, या जिनका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है, या जिनको अर्थराइटिस का मसला है, गाउट का मसला है, जिसको घेंटिया हम लोग कहते हैं, अगर वो लोग कलेजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो उस वजह से उनका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन प्यूरिन हमारे पास मौजूद है जो यूरिक एसिड को बढ़ाती है। तो अगर कलेजी का इस्तेमाल करना है तो अपने नॉलेज की, कंसल्ट की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग करें, ताकि अगर आप ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो वो फिर यूरिक एसिड की शिकायत को बढ़ा देगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि हम किस फॉर्म में गोश्त का इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस तरह से गोश्त बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है और हमें अपनी डाइट में वैरायटी भी चाहिए होती है कि एक सालन में इस्तेमाल करने के अलावा हम गोश्त को किस तरह से इस्तेमाल करें ताकि उसके थ्रू टेस्ट भी आपको मिल सके, वैरायटी भी मिल सके और बॉडी के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी ना आ सके। वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, अगर वो गोश्त का इस्तेमाल अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसमें वो नमक का इस्तेमाल कम रखें और ज्यादा ऑयल ऐड ना करें, क्योंकि रेड मीट के अंदर हमारे पास इटसेल्फ सैचुरेटेड फैट्स मौजूद होते हैं, चिकनाई मौजूद होती है, और उसको कुकिंग के दौरान अगर आप कम ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। और टेस्ट और फ्लेवर के लिए उसमें सॉल्ट ऐड ना करें, कोशिश ये करें कि उसके अंदर ग्रीन चिलीज ऐड कर लें या काली मिर्च ऐड ऑन करके उसका टेस्ट जो है आप इम्प्रूव कर सकते हैं।
इसके अलावा ईद के मौके पर लोग बहुत ज्यादा बारबेक्यू करके मीट को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर तो आप ईद के मौके पर ही सिर्फ बारबेक्यू कंज्यूम करो और एनुअली आप बारबेक्यू कंज्यूम नहीं करो तो उसमें कोई इतना रस नहीं है, लेकिन अगर आप साल भी बहुत ज्यादा बारबेक्यू कंज्यूम करें और ईद के मौके पर ज्यादा बारबेक्यू कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए थोड़ा मुज़हर हो जाता है, क्योंकि मीट के अंदर हमारे पास जो फैट है जब वो कोयले के साथ मिक्स होता है तो वो एक ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जो कैंसर कॉजिंग होता है, जो कार्सिनोजेनिक होता है। जब वो उसमें कन्वर्ट होगा और आप लोग उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी में डिफरेंट कैंसर्स का रिस्क जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। बहुत से लोगों में कॉलन कैंसर का रिस्क बारबेक्यू फूड खाने की वजह से बढ़ रहा होता है, तो कोशिश ये करें कि अगर आप ईद का मौका पर सिर्फ बारबेक्यू कंज्यूम करें तो उसका इस्तेमाल जितना मैंने बताया उतनी क्वांटिटी में करें और उसका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और बेशक आप गोश्त को अपने स्टीम करके इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बॉयल करके सालन की फॉर्म में डिफरेंट बेक्ड प्रोडक्ट्स आप उसके बना सकते हैं, डिफरेंट कबाब्स आप बना सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात वही है कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।